देखिए इसमें आलू पैटी भी डाल रखी है भाई, बहुत बड़ा है ये। एक लेटस है इसमें, ये फ्राइड मोमोज है, थोड़े से अनियंस डाले हैं मैंने। ये देखिए कितना ज्यादा बेहतरीन सा लग रहा है ये। हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ना हमने इन बर्गर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है, इनके अंदर ना हमने चाइनीज फूड को फील किया है, तो देखते हैं इनका टेस्ट कैसा आता है। तो लेते हैं खाने के मजे विद अजय और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी कोक के साथ। तो भाई जो ये वीडियो है ना, बर्गर सीरीज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी मैं दो वीडियोस कर चुका हूँ मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर्स पे और चीपेस्ट बर्गर्स ऑफ ऑल ब्रांड पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई शुरुआत करते हैं मोमोज बर्गर के साथ। ये देखो भाई कुछ ऐसा है दिखने में, और ये है वेज मोमोज बर्गर। ट्राई करते हैं अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सही टेस्ट आ रहा है यार, ये देखिए ऐसा है कुछ दिखने में। गजब टेस्ट आ रहा है यार, सोचा नहीं था ऐसा आएगा। ये देखिए इसमें चीज, टमाटो, ऑनियन और ये मोमोज डाला हुआ है, गजब फ्लेवर आ रहा है भाई। फिलहाल इसको यहाँ रखते हैं। तो भाई अब खाते हैं। ये है चीज एंड कॉर्न स्प्रिंग रोल बर्गर, और इसमें ना मैंने ज्यादा तामझाम नहीं डाला है, बस स्प्रिंग रोल्स है, एक चीज स्लाइस है और थोड़ा सा मेयो डाला है, तो देखते हैं कैसा होता है। भाई अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है यार। मैं तो सोच रहा हूँ मार्केट में अभी तक आए क्यों नहीं है। अरे हाँ, ये हक तो मैं भूल ही गया था कि बर्गर को उल्टा पकड़ के खाना चाहिए। भाई इस बन के साथ ना कसम से स्प्रिंग रोल का बहुत ज्यादा डिफरेंट टेस्ट आ रहा है और बहुत अमेजिंग हो रहा है ये। नेक्स्ट लेवल भाई। तो भाई अब टेस्ट करते हैं फ्राइड चिकन मोमोज बर्गर। ये देखिए ऐसा कुछ है, एक लेटस है इसमें, ये फ्राइड मोमोज है, थोड़े से अनियंस डाले हैं मैंने इसमें, थोड़ा चीज सॉस डालते हैं यार। और इसके बंस में ना मैंने रेड और ग्रीन चटनी लगा रखी है भाई, चीजी चीजी सा हो गया ये, साइज बहुत बड़ा है। ये देखिए कितना ज्यादा बेहतरीन सा लग रहा है ये। तो भाई टेस्ट करते हैं। क्या गजब टेस्ट आ रहा है भाई चीज का। ये देखिए कितना कलरफुल सा लग रहा है। भाई नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। है मन नहीं कर रहा है इसे वापस रखने का। फ्राइड मोमो का ना हल्का हल्का क्रंच आ रहा है और चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है भाई इसमें से।
ये देखिए मोमोज में चिकन की भी अच्छे से फिलिंग कर रखी है। और हाँ ये ना सारे ही मैंने घर पे बनाए, सॉरी सॉरी बनाए नहीं है, असेंबल किए। फिनिश ही करते हैं इस वाले को। ओ भाई काफी स्पाइसी है कसम से भाई, स्वाद आ गया आज के बर्गर्स में। भाई अब खाते हैं। यह है मटन बर्गर, इसमें एक चीज स्लाइस, टमाटो, अनियन और मटन मोमोज हैं। इसमें भी चीज सॉस डालते हैं। तो ट्राई करते हैं। मटन की फिलिंग देखिए भाई, आज ना मैंने नेक्स्ट लेवल चीज का इन्वेंशन कर लिया है। आज ना थोड़ा मैसी सा सीन हो गया, मुझे नहीं लगा था इतने बड़े बड़े बर्गर्स बन जाएंगे। क्या ही तारीफ करूं भाई इस बर्गर की मैं। थोड़ा मस्टर्ड सॉस डालते हैं इसमें, बहुत ही ज्यादा तेज सॉस होती है तो कम ही डालना पड़ता है इसे। है मजा आ गया भाई। सो गाइस शाउट आउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था इनका, और जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पर डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस अपना टाइम निकाल के इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। सीरियसली आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो भाई पहले इन्हीं बर्गर्स को फिनिश कर लेते हैं। मैंने ना इनके बंस को ना बटर के साथ थोड़ा थोड़ा सा सेक लिया था, बहुत गजब फ्लेवर आ रहा है भाई बटर का इसमें। पता है जब मैंने ये वीडियो सोचा था ना तो मुझे लगा था काफी वीर्ड सा टेस्ट आएगा, बट कसम से बहुत ज्यादा अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है। अभी तक एक भी मेरे को बेकार नहीं लगा। बेहतरीन टेस्ट हो रहा था सबसे बेसिक वाले का भी। तो भाई अब फिनिश करते हैं स्प्रिंग रोल बर्गर। एकदम क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है भाई इसमें से। चीज और कॉर्न का बहुत गजब टेस्ट आ रहा था इसमें से। तो भाई अब खाते हैं। ये नॉर्मल चिकन मोमोज बर्गर है तो देखते हैं भाई कैसा टेस्ट आता है इसका। थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा है।
थोड़ी मोमोज की चटनी भी डालते हैं इसमें। ये देखिए, गजब टेस्ट आ रहा है भाई, स्पाइसी स्पाइसी था। क्या स्वाद आ रहा है भाई। यहाँ तक कि मोमोज ठंडे हो गए हैं, बट स्वाद में कोई कमी नहीं आई है भाई। अब आया चीज़ ही चीज़ का टेस्ट, एक बार ग्रीन चटनी के साथ ट्राई करते हैं। तो भाई आप खाते हैं वो बर्गर जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। तो मैं ना शॉर्ट्स देख रहा था यूट्यूब पे, और पंजाब साइड का एक बंदा ना चौमीन बर्गर बना रहा था, और सीरियसली वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा लग रहा था। तो टेस्ट करते हैं इसको भाई, बहुत बड़ा है ये। बाइट लेते हैं पहले, फिर बताता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें ना मैंने आलू की पैटी भी डाल रही है। भाई ये ना गार्लिक नूडल है, और गार्लिक का बहुत गजब टेस्ट आ रहा है इसमें से। ये देखिए क्या मस्त लग रहा है भाई। भाई गार्लिक नूडल ना गजब होती है, और इसके साथ तो और ज्यादा बेहतरीन लग रही है। इसमें ना मुझे एक दो मोमोज भी डालने चाहिए थे। भाई मुझे ना एक बात याद आई, अभी ना कमेंट में मुझसे एक लड़का पूछ रहा था कि आपके बाल असली है नकली है। भाई असली है मेरे बाल। इसमें जो मैंने आलू पैटी यूज करी है ना, वो मकेन्स की है। सही टेस्ट आ रहा है भाई। बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ है मैंने। कसम से सबसे ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट इसी का था, आलू पैटी के साथ चौमिन का टेस्ट बहुत ज़्यादा गजब आ रहा था। तो भाई अब खाते हैं आज का लास्ट बर्गर, यह है चिकन चीज़ मोमो बर्गर विद आलू पैटी। ये देखिए इसमें आलू पैटी भी डाल रखी है, तो देखते हैं ये आला कैसा होता है। चेक करिए एक बार भाई, मोमो के अंदर ना कॉर्न भी डाल रखा है। इसको डाल देते हैं। भैया आलू पैटी बहुत सही हो रही है, और बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है भाई। 120 रुपीज़ में कम से कम 10-12 आ जाती है।
और भाई जो ये येल्लो कलर का चीज़ है ना मदर डेरी का, इसका भी टेस्ट बहुत अमेजिंग है। मोमोज सारे पीछे ही थे भाई, ये देखिए सारे मोमोज यहाँ पीछे आ गए। देखिए चीज मोमो के अंदर कॉर्न भी डाला हुआ है, मस्त फ्लेवर आ रहा है भाई। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भाई, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी। सो गाइस आज के ना सारे बर्गर एक से बढ़कर एक हो रहे थे। आपको कौन सा बर्गर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।